नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां पे हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके आए हैं, जहां पे एक गेटेड सोसाइटी है। और गेटेड सोसाइटी ऐसी है जो वेल मेंटेन है, वेल डेवलप्ड है। बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। हम सारी डिटेल में आपको वीडियो में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं कि हम किनके साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को, मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है भानु यादव और हमारी कंपनी का नाम है तेज इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग अराउंड 2012-13 से काम कर रहे हैं यहाँ पे हाउसिंग के सेक्टर में जी। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड है जी, आसरा होम के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। और इसी के सेकेंड फेज में हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें आपको रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस मिलेंगे। दोस्तों देखिए, हर वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन कराने का पर्पस सिर्फ ये रहता है कि आप जिनसे डील करने वाले हो उनको कितना एक्सपीरियंस है। जितनी मैंने अभी साइट की डिटेल देखी है, समझी है, बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी का मतलब ये है, ये कानपुर रोड के पे ही है। हम कानपुर रोड मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, और यदि हम बोले आउटर रिंग रोड, वो भी लगभग 400 मीटर की दूरी पे आउटर रिंग रोड यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए, हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे होंगे। यदि आप लखनऊ में कोई अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हो कि लखनऊ पे बेस्ट लोकेशन पे हमें एक मकान मिले या जमीन मिले, वो कौन सी होनी चाहिए, तो कानपुर रोड है। रीज़न क्यों है, क्योंकि कानपुर रोड पर ही ग्रेटर लखनऊ बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी इस वक्त लखनऊ की बात करें तो एक सिंगल एयरपोर्ट है, वो है अमौसी में। दूसरा एयरपोर्ट कहाँ है? दूसरा एयरपोर्ट जो आने वाला है वो नवाबगंज, इसी कानपुर रोड पे आने वाला है। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस रोड को डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है। जितने भी गवर्नमेंट के बड़े या प्राइवेट के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सब इस कानपुर रोड पे आने वाले हैं। इधर से लखनऊ बढ़ रहा है, उधर से कानपुर बढ़ता आ रहा है, तो ये एक बेस्ट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, लोकेशन तो बहुत अच्छी लोगों को मिल जाती है, लेकिन जहां वो प्लॉट ले रहे होते हैं या मकान ले रहे होते हैं, वो एरिया थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है, लेकिन वो इस साइड पर बिल्कुल नहीं है। आप सामने देखो, पूरी साइड बनी हुई है। आपको गेट से आइडिया लग रहा होगा, अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो पे आप बने रहिएगा और कोशिश करिएगा पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिए आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहते हो ना, कंफ्यूजन में मत रहिए। आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे, सोचेंगे कि हमें समझ गया हूँ, ठीक है। नहीं सर, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप स्किप करते हो और वीडियो फॉरवर्ड करते हो तो निकल जाता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, डिटेल में बनाने वाले हैं। बड़े पार्क हैं यहाँ पर, सीवर है, स्टीपी है, स्ट्रीट लाइट है, सिक्योरिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया साइट है। चलिए साइट पर चलते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे। अंदर आइए सर। तो सर, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो मेरे को ये बताइएगा, ये आपका जो एंट्री गेट है साइट पे, कितने होने वाले हैं? देखिए, सिंगल एंट्री एग्जिट मिलने वाली है आपको प्रोजेक्ट में। ओके। और आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा जी। और उसके साथ सीसीटीवी के सर्विलांस आपको पूरी सोसाइटी में रहेगा जी। स्ट्रीट लाइट मिलने वाली है। ओके। तो यदि हम इसकी बात करें, रोड आपकी कितनी चौड़ी है अंदर? ये जो रोड है वो 30 फीट की चौड़ी है जी। बाकी जितनी लिंक रोड है वो सारी 25 फीट की है। 25 फीट की है। ओके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब आप हमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों हम बहुत मोटिवेट होते हैं। हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम आ रही है। तो दोस्तों, यदि अभी तक नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं ही आपको एक चीज दिखा देता हूँ। गेट पे खड़े हैं, आपने देखा जैसे सर ने बताया कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे सर खड़े हैं, पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम है यहाँ पे। यदि कोई आएगा साइट पे तो प्रॉपर उस पर, देखिए जो यहाँ रहते हैं उनको तो जानते हैं, अनजान कोई आता है तुरंत उसको यहाँ रोक लिया जाता है, उसकी डिटेल ली जाती है, फिर अंदर भेजा जाता है। ये देखिए यहाँ पे रूम बना है, सिक्योरिटी रूम ये है। और यदि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंसान तो है, मशीन भी यहाँ पर है। प्लीज ऊपर दिखाइएगा, ये देखिए कैमरे लगे हुए। तो प्रॉपर सिक्योरिटी तभी होती है जब पूरी बाउंड्री बनी हो, साइड की गेट हो, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड हो, कैमरे लगे हो, तभी कंप्लीट सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया, गेट भी है, गार्ड भी है, कैमरे भी हैं। आइए अंदर चलते हैं, बात करते हैं। और तो लगभग यदि मैं इस साइड की बात करूँ, फेज वन में हम लोग खड़े हैं, तो कितना बड़ा एरिया होगा? इस फेज वन की बात करें तो इसमें हमने 155 यूनिट डिलीवर कर दी है। 155 यूनिट का मतलब है 155 मकान है। हाँ। दोस्तों, और आप चीज देखोगे, मैंने जो अच्छी चीज नोटिस की है, मकान तो अभी हम आपको दिखाएंगे, इन लोगों ने जैसे कि ये मकान है इससे सटा के रोड नहीं बनाई है। हाँ। सबसे अच्छी चीज जो मैंने पकड़ी है, प्रॉपर देखिए ये एक इतनी स्पेस छोड़ी है,
आप यहाँ देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ जगह बन रही थी तो कर दिया, आप आगे भी देख सकते हो। आओ आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए आपके जाके विंडोज अगर खुल रहे हैं या गेट खुला है तो रोड पे ना खुले, रोड पे ना खुले। अब बहुत से इश्यूज आते हैं, कई लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं बिल्कुल, या काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चीज मैंने यहाँ सबसे अच्छी नोटिस की है। आप यदि यहाँ पे भी देखो आगे भी, इनका ये मकान बना हुआ है, इसके आगे भी इन्होंने दिया है, पूरी सोसाइटी में पूरा शोल्डर दे रखा है, यहाँ पे भी है। और जो सीवर की बात करता, आप यहाँ ढक्कन देख सकते हैं, ये देखिए इन्होंने इस तरह से ढक्कन दिए हैं कि यदि कभी सफाई फाई हो तो रोड में इश्यूज ना हो। और यहाँ एसटीपी भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पर है। आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि साइट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। एक व्यू आप इधर मार सकते हैं, प्लीज दिखाइएगा। ये सारे मकान आप जितने भी देख रहे हैं सब पोजीशन में हैं, 1000 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, ये सारे मकान बने हुए हैं यहाँ पे और ये सब पोजीशन में हैं। बहुत बढ़िया, आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये 1000 स्क्वायर फीट के मकान हैं। एक चीज मैं सर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मकान बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप सर मेरे को बताइएगा, क्या यहाँ पे सारे मकान आपने बनाए या कुछ लैंड देके अलग से डिजाइन भी दिया गया है? देखिए यहाँ पे जितने भी आप मकान देख रहे हैं ये सारे हमारी यहाँ पे, सबसे पहली बात तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो भी आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले किसान से अपने कंपनी के नाम पे खरीद के, उसके बाद फिर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हम खुद ही करते हैं। ओके, अब हमारी कंपनी करती है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन, मतलब यदि मैं आपको डिजाइन देता हूँ एज ए कस्टमर कि मैंने आपके जमीन ले ली है, मेरे को डिजाइन जिस तरह का चाहिए तो वो डिजाइन आप अगर डिजाइन देते हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी अगर कस्टमाइज मकान आप हमारे यहाँ बनवाना चाहते हैं तो हमारी इन हाउस डिजाइन टीम है। मैं खुद भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और हमारी खुद की डिजाइन टीम है। तो जितना कंस्ट्रक्शन का है, डिजाइनिंग का है, आप इंटीरियर में भी कुछ कराना चाहते हैं तो आप सारी चीजें आप हमारे इन हाउस करा सकते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लेते। बहुत अच्छी चीज है। अधिकतर मैंने दोस्तों ये देखा है सोसाइटी के अंदर सारे मकान एक जैसे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सामने देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के भी आपको मकान मिलने वाले हैं, जैसे लुक एंड फील आता है, लगता है कि हाँ एक कॉलोनी है। यदि आपके पास ज्यादा स्पेस है, जैसे सर ने बताया कि आप यदि थोड़ा सा अपना डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, आप खुद एक आर्किटेक्ट के थ्रू बनवाना डिजाइन बनवा के इनसे बनवा सकते हैं, या ये खुद में सब कुछ है, आपको कंप्लीट एक मकान बना के आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा कस्टमाइज। जिसे जितने हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है उसमें हम प्रॉपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं। आप चाहे इंटीरियर कस्टमाइजेशन करा लें, फिर कलर कॉम्बिनेशन हो, टाइल्स का कलर हो, या फिर उसके बाद फ्रंट एलिवेशन हो, तो उसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन। लगभग कितनी फैमिली यहाँ पे रहती होगी? देखिए इसमें मैंने जैसा कि बताया इसमें 155 यूनिट्स हमने डिलीवर कर दी हैं और ऑलमोस्ट 90% लोग रहते हैं, जो नहीं भी रहते हैं तो उन्होंने रेंट पे दे रखा हुआ है। जी जी, आइए अंदर चलते हैं। आइए सर, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी साइट पे वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदे, तो क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, आप कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं, आप कहीं पे भी आप मकान लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, किस क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जी, तो आप हमारे यहाँ चाहे 500 स्क्वायर फीट का मकान लीजिए, चाहे 1000 का लीजिए, चाहे 2000 स्क्वायर फीट का लीजिए, आपको सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सारे मकानों में मिलने वाली है। ओके, और उसके बाद बात की जाए तो लोकेशन की, आप लोकेशन जो देख रहे हैं लखनऊ कानपुर रोड, इस रोड पे इससे अच्छी लोकेशन, इतनी कम दूरी पे हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट जी हमको शायद ही नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि हमने अभी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, जब हमने सेकंड फेज पे कंस्ट्रक्शन जमीन परचेज करना स्टार्ट किया था, उससे पहले हम खुद भी मार्केट में सर्वे कर रहे थे तो हमको जमीन नहीं मिली। तो आपको बहुत मुश्किल है कि कोई अच्छी सोसाइटी मिल जाए जहाँ पे लोन भी हो जाए, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी मिलना अलग चीज है, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी मिलना वो अलग चीज है। जितना मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर को, एक जो बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे तीन मेजर रोड का बेनिफिट मिलने वाला है। तीन मेजर रोड कौन सी है? एक तो है कानपुर रोड जो लगभग 300 मीटर की दूरी पे है, दूसरी है आउटर रिंग रोड, ये लगभग 400 मीटर की दूरी पे है, लेन से आपको 400 मीटर की दूरी पे, और जो नई रोड बन रही है जो कानपुर रोड से ही अटैच है, आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, ये यहाँ से ही पास से ही उठ रहा है, जो सीधे डायरेक्टली नॉन स्टॉप कानपुर जाने वाला है। तो यदि आप कानपुर से बिलोंग करते होंगे, यदि आप आओगे तो यहाँ पे आपको उतरने के लिए मिलेगा, किसान पथ का चौराहा बन रहा है, बन रहा है लखनऊ का सबसे बड़ा चौराहा बना बन रहा है। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको आउटर रिंग रोड, कानपुर रोड और जो कानपुर एक्सप्रेस वे मिल रहा है उसका बेनिफिट मिलने वाला है इस रोड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये एरिया नगर निगम के अंदर आता है, ये इसका आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा यहाँ पे। ये देखिए नगर निगम वार्ड नंबर 5 है और जोन नंबर 8 है,
राजा बिजली पासी द्वितीय इस वार्ड का नाम है। ओके। और ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे नगर निगम में है, आपको नगर निगम का असेसमेंट लेटर भी मिल जाएगा जी 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 जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं। और उसी के साथ ही अगर कनेक्टिविटी की बात करें, आप लखनऊ रिंग रोड की वजह से आप लखनऊ के किसी भी हाईवे से आते हैं आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। आप वुहान रोड हो, सुल्तानपुर रोड हो, फैजाबाद रोड हो, यहाँ से आप सर्विस लेन से 400 मीटर से आप रिंग रोड पे चढ़िए और आप लखनऊ के किसी भी हाईवे पे आप जा सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। बिल्कुल बिल्कुल, ये आउटर रिंग रोड का तो बेनिफिट दोस्तों मिलने ही वाला है क्योंकि कोई लखनऊ का चक्कर काट रही है, आपको यहाँ आना या आपके किसी रिलेशन या फ्रेंड या किसी को भी इस एरिया में जब यहाँ आप मकान बना के रहोगे तो आना जाना बहुत सुविधा रहेगी। क्योंकि किसी भी रोड से आओ, किसी भी हाईवे से आओ, आप आउटर रिंग रोड के थ्रू इस जगह पे आसानी से पहुंचेंगे क्योंकि 400 मीटर की दूरी पे तो आउटर रिंग रोड है। तो ये तो बहुत और अच्छा जैसा कि मैंने आपको कस्टमाइजेशन का जिक्र किया था जी। तो आप देख रहे हैं जैसे ये हमारा मकान आप देख रहे हैं जी। तो ये मकान 2000 स्क्वायर फीट का है, इसमें हमने 1200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया, 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट छोड़ा हुआ है। ओके। जो गार्डन बनाया गया है जी जी जी। तो ये कस्टमाइजेशन आप जैसे कराना चाहते जैसे ये भी मैं देख रहा हूँ इसका भी डिजाइन अलग है, बिल्कुल दिखाइएगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका जी। तो पूरा कस्टमाइजेशन हमें को ये कितने एरिया में होगा, ये भी 2000 स्क्वायर फीट का है। 2000 स्क्वायर फीट का है। तो दोस्तों ये चीज अच्छी है कि सारे मकान एक जैसे नहीं है, यदि आपको लगता है कुछ चेंज चाहिए तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया, इस साइट बहुत अच्छी है जिस पे हम चल रहे हैं, ये फेस वन है, अभी हम आपको फेस टू में भी लेके चलेंगे। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेल डेवलप सोसाइटी है, आप देखो डामर रोड बनी हुई है, रोड पे आप फुटपाथ देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके घर की वॉल है ये तो डायरेक्टली रोड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पूरा फुटपाथ दिया गया है, पूरी साइड पे हर मकान के चारों तरफ से दिया गया है जहाँ जहाँ रोड है। तो ऐसा नहीं कि रोड आपकी वॉल से सटी हुई होगी, बहुत मेंटेन है। दूसरी चीज़ आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि देखिएगा, प्लीज़ एक बार दिखाइएगा रोड कितनी साफ़ है। यहाँ रोज झाड़ू लगती है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो पत्ते गिरते हैं सूखे, ये देखिए यहाँ इकट्ठा किया गया, ये नहीं कि ये पूरी रोड पर फैला हुआ है। तो प्रॉपर यहाँ मेंटेन, ऐसा नहीं कि आपको मकान बना के दे दिया गया उसके बाद आप लोग समझे, यहाँ सोसाइटी वेल मेंटेन है, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि साइट तो बहुत अच्छी है लेकिन यदि इसके नियरेस्ट लैंडमार्क्स हैं कौन कौन से होंगे और उससे दूरी कितनी होगी? देखिए अगर यहाँ से बात की जाए कनेक्टिविटी की तो आपको यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ का इकलौता एयरपोर्ट जो लखनऊ अमौसी, जो अमौसी एयरपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा जी। उसके बाद आपको यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे अमौसी मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा जी। और रेलवे स्टेशन आपको दो मिल जाएंगे, एक तो आपको चारबाग रेलवे स्टेशन 14 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा और दूसरा जो आपको पिपरसन रेलवे स्टेशन है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। मिलेगा। यदि हम स्कूल कॉलेज की बात कर ले, स्कूल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में आपको ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, काफी अच्छा हाई क्लास स्कूल है, उसके बाद जॉर्जस एकेडमी और अवध कॉलेज सेंट थॉमस जैसे प्रमुख स्कूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की तो आपको यहाँ पे पैसिफिक हॉस्पिटल, प्रसाद हॉस्पिटल, लखनऊ हॉस्पिटल जैसे प्रमुख हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। यदि मार्केट की बात कर ले, मार्केट आपको एक सोसाइटी के अंदर हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं और उसके बाद अगर आपको मेजर मार्केट्स में जाना है, गौरी मार्केट है और बंथा मार्केट जो 2 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, तो ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाएगा। हाँ देखिए इसका भी एग्जांपल आप लगा सकते हो, 150 फैमिली सोसाइटी के अंदर रहती है तो सारा सामान उनको प्रॉपर मिल रहा है। एक क्वेश्चन मैं अपने पर्सनल लेवल पे पूछूं, यदि आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा, थोड़ा सा पर्सनल होता है कि यहाँ पे जो 150 फैमिली रहती है इसमें क्या किस प्रोफाइल के लोग रहते हैं यदि आप बता पाएं? ऑलमोस्ट हमारे पास जैसे कि आपने मेरी सोसाइटी देखी, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके से कर रहे हैं कि सब ज़्यादातर सर्विस क्लास फैमिलीज हैं जिनके फैमिलीज सिर्फ यहाँ पे रह रही, बच्चे पढ़ रहे हैं जी जी। और बाकी उनके ऐसे हस्बैंड है तो वो बाहर जॉब कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देखेंगे ये सामने वीडियो साहब रहते हैं, कमिश्नर साहब रहते हैं, जॉइंट कमिश्नर कानपुर, जॉइंट कमिश्नर, और तो ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं तो जिन उनको सोसाइटी अच्छी चाहिए होती है ऐसे जी, लोगों को जी, जी, तो इसीलिए आप देखोगे सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत हमने ध्यान रखा हुआ है। आप जितने भी पोल्स देखोगे, आप सीसीटीवी कैमरा आपको हमने हर उसमें दिया हुआ बहुत बढ़िया है। मैं शायद आपको प्लीज दिखाएगा, सूरज आपको शायद ना दिखे, मैं आपको बता दूं लास्ट में पोल है उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये कोई छोटा कैमरा नहीं है, प्रोफेशनल कॉमर्शियल कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे। स्ट्रीट लाइट तो कॉमन सी चीज है, ये सब है यहाँ पर, लेकिन जैसे आपको बोला था सिर्फ कभी ऐसा नहीं है, कई लोग सोसाइटी वाले क्या करते हैं मेन गेट पे लगा देते हैं दिखाने के लिए, यहाँ साइट के अंदर भी पूरी साइट सीसीटीवी कैमरे से पूरी कंट्रोल की जा रही है। इसकी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनका जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे सब चीज़ें सेव रहती हैं। और जैसे कि प्रोफाइल की बात कर ली, ये मैं कोशिश करता हूँ जानने के लिए कि आसपास की प्रोफाइल कैसी है, जैसे बोला जॉइंट कमिश्नर और वीडियो का इन्होंने जैसे ऑप्शन दिया है कि वीडियो साहब का घर यहाँ पर है, तो
आप आइडिया लगा सकते हो कि जहां आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो आसपास की कितनी अच्छी सोसाइटी होगी, जहां के आपके बच्चे, जनरल से बात है, मैं अपनी पर्सनल बात बोलूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों की दोस्ती भी अच्छे लोगों से हो, अच्छे परिवार से हो। देखिए बच्चे हैं, आप जैसी कम्युनिटी में रहते हैं वैसे ही बनते हैं, वैसे ही बनते हैं। अच्छी सोसाइटी होगी तो अच्छे लोग रहेंगे, इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा एक चीज और बात कर ही लेते हैं, यदि ये सब चीज होगी तो ये अधिकतर लोग जो है कहाँ से बिलोंग करते होंगे, किस सिटी से? देखिए ये तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, कुछ लोग बहुत दूर से भी हैं, जैसे केरला से भी लोग हैं हमारे यहाँ, वैसे कानपुर से, उन्नाव से हैं जी, और ऐसी जगह से हैं। उसके बाद अभी लेटेस्ट में कुछ लोग जैसे महोबा से हैं। ओके, तो मतलब हर तरफ से हैं, लेकिन चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से, लेकिन ये फर्क पड़ता है किस प्रोफाइल के। तो प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, बाकी आप यहाँ पे आइएगा, सर से मिलिएगा। मैं जितना यहाँ देख रहा हूँ बहुत वेल मेंटेन डेवलप साइट है। आइए आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। सर मैंने जैसे यहाँ नोटिस किया है कि कहीं पे आपने डामन रोड बनाई है, कहीं पे आरसीसी की, जैसे मैं देख रहा हूँ आरसीसी की रोड है। हाँ देखिए, जो आपने हमारा पहला फेज देखा है उसमें हम लोगों ने डामन रोड बनाई थी, लेकिन जो हमारा सेकेंड फेज है जी, इसमें हम लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट में आरसीसी रोड दे रहे हैं, आरसीसी की रोड, क्योंकि डामर रोड से आरसीसी की लाइफ ज्यादा रहती है। देखिए इसकी मेंटेनेंस आसान है। ओके, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका पैच काट के दोबारा से तुरंत मेंटेनेंस हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए इसमें सेकंड फेज में हमने जानबूझ के इसको आरसीसी रोड, जबकि देखा जाए तो आरसीसी की रोड महंगी पड़ती है बनाने में डामर रोड से, यदि आप कंपेरिजन करेंगे। देखिए जब हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें हमने एक्सपीरियंस से हमने देखा कि जो डामर रोड है उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा आता है, अगर कहीं से भी पैचिंग हो जाती है तो, इसलिए हमने इसमें फिर आरसीसी की रोड दी। बहुत सही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है पार्क, इस ये पार्क बन रहा है, इस तरह के दो पार्क हाँ, रहने दो पार्क वाले हैं। कितना साइज होगा पार्क का? ये 6000 स्क्वायर फीट। क्या करेंगे, क्या बना रहे हैं? देखिए ये पार्क आपको इस सोसाइटी में एक ये फ्रंट साइड में मिल जाएगा और एक अभी बैक साइड में आपको दिखा देंगे। इसमें आप देख रहे हैं चारों तरफ से आपको सब वेल मेंटेन पार्क मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक आपको चारों तरफ से बनाएंगे, ये सिट आउट स्पेस मिल जाएगा जी जी, और सेंट्रल ओपन आपको यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा। ओके अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज देख मेरी नजर पड़ी तो मैं आपको दिखा दूं, जो मैं बोल रहा था सीवर का पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट है, यहाँ पे सीवर उन्होंने जो ढक्कन है ना मेन रोड पे नहीं दिए गए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। आइए प्लीज सूरज नजदीक आइएगा, वो ये है। तो इस तरह की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने क्या किया कि जो मैं बोल रहा था फुटपाथ बनाए हैं उसी में ही पाइपलाइन दी गई हुई है, उसी में ही आपका चैम्बर बनाया गया हुआ है सीवर का। अच्छा एक चीज ये है कि सीवर का आपने बाहर बनाया, क्या अंदर अभी सेफ्टी टैंक दिए गए हुए हैं? नहीं देखिए, पूरी सोसाइटी में आपको सीवर मिल रहा है। Okay. ऐसा नहीं कि किसी पार्ट में डाल दिया गया है। अच्छा, पूरी सोसाइटी में हमने सीवर डाला हुआ है और उसी से हमने घरों को कनेक्ट किया हुआ है और उसको हमने डिस्पोजल के लिए दो सेटअप बनाए हैं, एक हमारा सीवरेज वेस्ट के लिए है और एक दूसरा है रनिंग वाटर के लिए। Okay. तो रनिंग वाटर जो है बगल से नाला जो गया है उससे रनिंग वाटर फ्लो हो जाए के लिए हमने दिया हुआ है फ्लो करने के लिए, और दूसरा जो सीवरेज वेस्ट है उसके हमने बाहर टैंक बनाया हुआ है जी, तो उससे वो बाहर गाड़ी से साफ हो जाए, आएगी गाड़ी बाहर से साफ कर देगी, अंदर आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा जैसे आपने मेरे को बताया था नगर निगम के अंदर क्षेत्र है। हाँ ये देखिए जोन नंबर 8 वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आता है और इस वार्ड का नाम है राजा बिजली पासी द्वितीय है, तो पूरा प्रोजेक्ट आपको नगर निगम अप्रूव मिलने वाला है। सबसे अच्छी चीज है, जैसे मेरे सर से बात हुई थी, इन्होंने बोला था जब मकान हम आपको पोजीशन देंगे तो हम नगर निगम के अंदर आपके मकान का असेसमेंट करा के देंगे। लेकिन नगर निगम के अंतर्गत आपको है नगर निगम का असेसमेंट मिलेगा, दाखिल खारिज आपको मिलेगा, 143 लेटर मिलेगा आपको, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। प्रॉपर देखिए सोसाइटी आपको पेपर्स के मामले में आपको सारी चीजें कंप्लीट करके दी जाएगी। ओके सर, हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, प्राइस क्या है? तो आप मेरे को प्राइस का आइडिया दीजिए और कितने कितने स्क्वायर फीट के आपके जो मकान है वो उसका एरिया भी बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 BHK 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक के मकान आपको रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों सेगमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और अगर आपको अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन कराना है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान भी मिल जाएगा। उसके ऊपर के साइजेस जो है वो पूरे कस्टमाइज मकान बनाए जाते हैं, तो वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो यदि प्राइस साइज का लेना जैसे 1500, 1700, 2000 ऐसे अलग अलग साइजेस के और भी ले सकते हैं। बाकी 500 स्क्वायर फीट का जो मकान है वो हमारा यहाँ 22.5 लाख रुपए का है। ओके, जिसमें आपको 90% लोन हो जाता है, तो आपको अराउंड 2-2.5 लाख रुपए देके वो आपको मकान मिल जाएगा। मतलब ये आप समझे तो 22,50,000 रुपए का आपको मकान यहाँ पे मिल रहा है, 500 स्क्वायर फीट में बना होगा। हाँ, और 1 BHK 1 BHK होगा। हाँ,
अभी मैं वो मकान भी आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, जैसे सर ने बताया कि यदि आप कस्टमाइज लेवल पे आप बड़ा एरिया लेना चाहते हो और अपना साइज बड़ा करना चाहते हो, तो वो उस समय हो जाएगा। हाँ। कि आप किस तरह का आप मकान चाह रहे हो। हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं, जैसे आप अभी दिखाएंगे हम आपको कि 2000 स्क्वायर फीट के, 1500 स्क्वायर फीट के, तो जो अलग अलग कस्टमाइज, क्योंकि 1260 के ऊपर फिर लोग जो मकान लेते हैं वो सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जब ऐसे साइट्स में वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो कहते हैं कि ठीक हमें सिर्फ प्लॉट चाहिए, तो क्या ऑप्शन है? देखिए, इस सोसाइटी में आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, हमारी थर्ड सोसाइटी है उसमें आपको प्लॉट्स मिलेंगे। वो भी ऐसे ही डेवलप कर रहे हैं, वो उसमें भी सारी एमिनिटीज, हमारे सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही हम लोग बनाते हैं जैसे आप देख रहे हैं। मैंने अब तक दो प्रोजेक्ट देखा, बहुत अच्छा बनाया। और जैसे कि मैं प्लॉट की बात की, तो कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर हाईवे से 900 मीटर की दूरी पे है। ओके, तो प्लॉट आपको मिल जाएगा लेकिन इस साइड पे नहीं है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ऐसी ही सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। क्या रेट? 1499 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट वहाँ पे आपको मिलेगा। ये हमारे दोनों फेसेस हैं, वो छोटे प्रोजेक्ट है। ये पहला वाला आपने देखा 155 यूनिट्स का था जी, और ये हमारा 133 यूनिट्स का है। ओके, बाकी जो हमारा प्लॉट्स वाला है वो 550 यूनिट का प्रोजेक्ट है। ओके, तो उसमें आपको प्लॉट्स और मकान दोनों दे रहे हैं, जैसे कि मकान दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा लैंडमार्क देखा है, पार्थ, आपने नाम सुना होगा, पार्थ कानपुर रोड पे। कितनी दूरी होगी पार्थ रिपब्लिक? हार्डली 200 मीटर की दूरी पे होगा, क्योंकि 200 मीटर बहुत नजदीक है। आप समझो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड भी आपके जस्ट बगल में बैठा हुआ है। देखिए, उसकी जैसे कुछ अमेनिटीज भी हैं जो हमारे सोसाइटी के लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आपने अंसल में बेस्ट प्राइस देखा होगा जी, उसी तरीके से पार्थ का मॉल बनना है। अरे वाह, तो वो उसी तरीके से आप शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उनके मॉल्स का यूज कर सकते हैं। बाकी क्रिकेट अकेडमी जो मैंने आपको हरभजन सिंह की बताई थी, वो भी उसी के अंदर है, तो उसमें भी आप अपने बच्चों को क्रिकेट में परस्यू करा सकते हैं करियर। तो कुछ अमेनिटीज आप पार्थ की भी यूज कर सकते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है। दोस्तों, हम आपको एक मकान दिखाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन का वर्क है इनका। सर, सबसे पहले आप बताइएगा क्या साइज है इस पूरे एरिया का? देखिए, ये जो मकान आप देख रहे हैं ये 1125 स्क्वायर फीट का मकान है। फ्रंट विथ इसकी 25 फीट है, डेप्थ इसकी 45 है। ओके ओके, आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे क्या चीजें बन रही है। ये 3 BHK का मकान रहेगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपका पोर्च एरिया मिल जाएगा। ओके, ये पोर्च का क्या साइज रहेगा? ये देखिए, ये 15.5x12 का साइज है इसका। ओके, तो यहाँ पे आप मिनी सेडान या एसयूवी खड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये आपको फ्रंट से स्टेयरकेस हमने दिया है। ओके, और स्टेयरकेस में आपको जेट ब्लैक ग्रेनाइट दिया गया है और अभी इसमें स्टील रेलिंग मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है लेकिन आपको मोटा मोटा यहाँ आइडिया लग जाएगा किस तरीके से चीजें चल रही है। आइए अंदर चलते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग कंबाइन फॉर्म में बनाया गया है जी जी। इसका कस्टमर चॉइस, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी, ड्राइंग प्लस डाइनिंग कंबाइन करना था, वरना आप चाहें तो यहाँ से एक पार्टीशन करके अलग भी कर सकते हैं कि ड्राइंग एरिया अलग कर सकते हैं। काफी लोग ऐसा होते हैं कि ओपन एरिया ज्यादा चाहते हैं घर में, ये छोटे मोटे फंक्शंस है तो लोगों को बैठने की तो स्पेस होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया 1125 स्क्वायर फीट का है, तो एक आपके लिविंग रूम में ही काफी स्पेस है कि आप छोटा मोटा अपना फंक्शन या बर्थडे बच्चों का होता है आप सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किस स्पेस दी है? ये स्पेस जो है वो मंदिर की स्पेस है। मंदिर की स्पेस है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है, घर में एंट्री करते वक्त ही मंदिर की स्पेस दी गई है, क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा है कि वो आपको रूम के अंदर देते हैं और कहते हैं कि आप उसका स्टोर बना लीजिए या मंदिर बना लीजिए। देखिए, मंदिर की प्लेसमेंट हमने एज पर वास्तु करी है, ईस्ट फेसिंग मकान है। ओके, और उसी के हिसाब से आपको कितनी स्पेस होगी? ये 5x5 का है। 5x5 का है, वास्तु के हिसाब से की गई है, इसलिए मैंने एक चीज नोटिस कर ली, कई लोग देते हैं बेडरूम में, लेकिन यहीं पे आपको मिल रहा है बहुत और अच्छा। जितनी भी आपको फिटिंग्स मिलेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे आपको एंकर की फिटिंग्स मिलेंगी। ओके ओके, और वायर सारे हैवेल्स के रहेंगे और फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में मिलेगी। प्लीज दिखाइएगा एक बार फॉल सीलिंग। और इसमें जो मैं कस्टमाइजेशन की बात करें, तो जैसे फॉल सीलिंग का डिजाइन हो गया, फ्लोरिंग टाइल का कलर हो गया जी, वॉल्स का पेंट हो गया, और इसमें जो किचन देख रहे हैं, किचन में आपका माइका का कलर हो गया, तो वो आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज करवा सकते हैं। देखिए, मॉड्यूलर किचन मिल रहा है आपको, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी काम चल रहा है इस घर में तो थोड़ा सा अस्त-व्यस्त है, यहाँ प्रॉपर आपको विंडो मिल रही है। ये पीवीसी ये है? हाँ, ये पीवीसी की विंडो मिलेगी, 3 पैनल विंडो रहेगी इसमें। Okay. दो ग्लास और यूपीवीसी विंडो रहेंगी, एक मॉस्किटो नेट भी। दोस्तों, ये नॉर्मल पीवीसी नहीं है, ये मैंने कई जगह देखा है, काफी हैवी और मजबूत पीवीसी होती है, जो स्लाइडिंग डोर्स में साथ में देखा होगा यूज होती है अधिकतर अपार्टमेंट्स में। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये ओके,
आइए चलते हैं आपके इस रूम में। इसका क्या साइज रहेगा? देखिए ये 11x12 का है। ओके। और इसके बाद ये अटैच वॉशरूम के साथ ये वाला है। ओके। ये क्या अभी सेल आउट हो चुका मकान? हाँ देखिए ये सेल आउट हो चुका है और कस्टमर को उसी के प्रेफरेंस के हिसाब से इसको पूरा कस्टमाइज किया गया। देखिए ये एक अच्छी चीज बताई, जैसे मैंने आपको बोला था यदि आप अपना मकान अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो कंपनी इसमें आपको सपोर्ट कर रही है, जिस तरह के आप डिजाइन चाहते हो तो उस तरह से आपको बना के आपको दे देगी। ये बैक पोर्शन में ये ओटीएस आ गया है। ओटीएस का यदि हम साइज पूछे, ओटीएस जो है ये 10x5 का है। 10x5 का है। इन्होंने ओटीएस में थोड़ा सा एक रैक टाइप में दिया है कि आप सामान रखना चाहे रख सकते हैं, क्योंकि ओटीएस का जो जाल है वो साइड में है, इसके ऊपर पूरी छत है। हाँ ये देखिए शेड बनाया गया है इसलिए कि ताकि जैसे आपने कुछ वॉशिंग करना हो या फिर जी कुछ भी इस्तेमाल करना हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके। यही ओटीएस से एक दूसरा रूम है, हम बेडरूम आप कह सकते हो। यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। हाँ, ये अटैच आपको वॉशरूम मिल जाएगा और इसमें जो है वो आपको जैसे इंडियन सीट और वेस्टर्न सीट एज पर कस्टमर चॉइस मिलती है। ओके। जैसे अगर आप कोई इंडियन चाहता है तो इंडियन या वेस्टर्न चाहता है तो वेस्टर्न। एक आईडी के लिए मैं आपको बोल दूं, लगभग 8 फीट। हाँ 8 फीट तक आपको टाई लगा के देंगे, टाइल्स लग रही है। ओके ओके। फॉल सीलिंग्स ऑलमोस्ट मैंने हर जगह देखा है, आपका लिविंग हो किचन हो रूम्स हो सभी जगह फॉल सीलिंग मिलेंगे आपको। ओके। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बेडरूम और एक वॉशरूम मिलेगा। आइए एक बार देख लेते हैं उसको भी। आइए। और जितने भी आप इसमें डोर्स देख रहे हैं इसकी 10 साल की गारंटी है, कंपनी विटर कंप्रेस माइका के डोर्स हैं। जी जी जी। और इनकी 10 साल की कंपनी से गारंटी है, कभी भी खराब होते हैं तो रिप्लेस करके दूसरे लगा दिए जाते हैं। ओके। ये बालकनी में आ गए हम लोग, ये बालकनी स्पेस हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये स्पेस आपने डिजाइन की गई? देखिए ये एलिवेशन का पार्ट है, बाकी यहाँ पे कुछ लोग अपना स्टोरेज स्पेस बना लेते हैं जी। बाकी जिनका ये मकान है उन्होंने मंदिर नीचे बनाया है जी, तो जी। कुछ लोग मंदिर यहाँ पे बना लेते हैं। ओके। तो हर आदमी अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से यूज कर सकता है, कैसे यूटिलिटी उनकी है। ओके ओके। और यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि स्टेयर्स के पास काफी अच्छी खासी स्पेस है, ये लॉबी हो जाएगी। और स्टेयरकेस जो है जितने भी हमारे 1000 square feet और उसके ऊपर के मकान हैं सब में स्टेयरकेस आपको सेकंड फ्लोर तक मिलेगा। okay. ताकि ऐसे फ्यूचर में किसी को टेरेस पे कंस्ट्रक्शन करना है तो दोबारा स्टेयरकेस नहीं बनाना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी चीज है। ये आपका ऊपर आगे है, सेम चीजें हैं जो नीचे था, यहाँ पे भी आपको फॉल्स सीलिंग मिल रही है, प्रॉपर पीवीसी की विंडो भी है यहाँ पर, और यहाँ पे अटैच आपको वॉशरूम भी मिल रहा है। कितना साइज होगा इस वॉशरूम का सर? देखिए 5x8 का है। ओके okay, सेम चीजें आपको ऊपर तक 8 फीट तक टाइल्स लग के मिल रही है यहाँ पर। बढ़िया। एक आपको आइडिया लग जाएगा, हम ऊपर आ ही गए तो एक बार मैं आपको प्लीज दिखाना चाहूंगा, ये फेस 2 में है जो तेजी से डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हो मकान यहाँ बन रहे हैं, रोड का काम चल रहा है, पार्क भी मेंटेन हो रहा है। आइए चलते हैं। ये इसका एंट्री एग्जिट गेट है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं इसी ये गेट है जहां से हम आए हैं, और यदि आप देख सकते हैं तो गेट के ठीक बाहर शॉप्स भी हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ की रजिस्ट्री कहाँ पे होगी? देखिए इसकी रजिस्ट्री जो है सरोजनी नगर में बिजनौर तहसील है, उसमें इसकी रजिस्ट्री होती है। ओके। सरोजनी नगर तहसील में होगी जो बिजनौर में बनी हुई है। अच्छा एक मेजर चीज है कि देखिए जैसे कि जहाँ मकान होता है रेडी टू मूव होते हैं वहाँ अधिकतर लोग लोन लेके ही परचेस करते हैं। देखिए हमारे यहाँ 90% लोग जो ऐसे हैं जो लोन लेके मकान लिए हैं, और हार्डली 5-10% ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने कैश पे लिया है। तो लोन हमारे यहाँ जो है वो अगर किसी की प्रोफाइल अच्छी होती है तो LIC HFL से हो जाता है, बाकी अगर किसी का सिविल स्कोर कम होता है तो फिर ICICI, Piramal, DHFL इन सब बैंकों से होता है। बाकी अगर आप खुद भी अपनी किसी बैंक से कराना चाहें तो वो भी आप तो कहने का मतलब मोटा मोटा यह है कि आपको आसानी से यहाँ लोन मिल रहा है, गवर्नमेंट बैंक से भी मिल रहा है, सरकारी बैंक से भी 90% तक लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। ओके। बाकी 10% आप डाउन पेमेंट करते हैं आपका मकान हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज है कि दोस्तों यहाँ लोन भी मिल रहा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो मार्केट हो स्कूल हो सब कुछ, यहाँ आने और जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मात्र आप 300 मीटर की दूरी पे आपको मेन रोड मिल रही है जहाँ से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, और 24 घंटे यहाँ पे साधन उपलब्ध है कहीं भी आने और जाने के लिए। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं 500 स्क्वायर फीट का जो हाउस हमने आपको बताया था रेडी टू मूव वो ठीक सामने है। आप देखिए ये है, आइए अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या कैसे बन रहा है।
तो उसका जो फ्रंट और उसकी जो लेंथ होगी, देखिए ये 15.5x32 का रहेगा, 15.5 इसकी फ्रंट विड्थ रहेगी और 32 इसकी डेप्थ रहेगी। अच्छा, ये हम इसकी यदि इसकी बात करें पोच की, तो क्या साइज होगा? देखिए पोच जो है वो 10x10 का है। 10x10 का, ओके ओके। तो आप सबमर्सिबल का टैप यहाँ पे दे रहे हैं? हाँ, ये फ्रेश वाटर का टैप है, ये आगे से स्टेयरकेस दिया गया है और बाइक पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके, और ये सेंट्रल पोर्शन में डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया मिल जाएगा और सेमी मॉड्यूलर किचन यहाँ पे हम लोग देते हैं। अगर किसी को मॉड्यूलर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के आप करा सकते हैं। और उसके बाद एक मास्टर बेडरूम रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे और एक कॉमन वॉशरूम रहेगा। दोस्तों मैं सर की बात को रिपीट कर देता हूँ, हम लोग इस वक्त लॉबी में हैं, आप उसको लिविंग रूम की तरह से यूज कर सकते हैं और प्लस ये ओपन किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओपन किचन है और काफी स्पेस है। कितना साइज होगा सर? देखिए ये जो अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो ये 7.5 फीट इसकी विड्थ है और जो डेप्थ है इसकी वो 10 फीट की है। एक चीज मैं नोटिस कराऊंगा, जो पेंट ये लोग यूज कर रहे हैं एशियन पेंट है, ये अच्छी चीज है, इत्तेफाक से आपको मिल गया है, यहाँ पेंट का ही काम चल रहा है तो क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। ये मकान बन रहा था, इत्तेफाक से देखिए पेंट और ब्रश रखा हुआ है, एशियन पेंट का है, बहुत बढ़िया। यदि इसकी बात चली रही है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 500 स्क्वायर फीट का घर है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं कि कुछ भी एक एवरेज कंपनी का यूज कर लें, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये एंकर के बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी देखता हूँ मैं एंकर के बोर्ड लगे हुए हैं। और ये टैप किस कंपनी के सर? देखिए टैप जो है वो हम प्लम्बर कंपनी की देते हैं, प्लम्बर कंपनी। अब इसमें प्लम्बर भी ले सकते हैं आप, सेरा भी ले सकते हैं, सोमानी भी ले सकते हैं, बट प्लम्बर क्या है ऑन साइट गारंटी मिलती है, टोल फ्री नंबर मिलता है इसमें। ओके, तो अगर आपका कोई भी टैप खराब होता है या फिर लीकेज होता है तो ये कंपनी का बंदा आएगा, वो रिप्लेस करके जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। सामने बात करते हैं, यहाँ आपको ओटीएस मिल रहा है और ये कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। ये कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज काफी बड़ा है, कितना होगा? ये वॉशरूम 5x8 का है। सूरज नजदीक आइएगा, बाथरूम में सब कुछ है, शावर देखिए आप किस डिजाइन का है, यहाँ पे आपको गीजर के लिए अलग है, आपका मेन सप्लाई के लिए अलग है, यहाँ पे भी आपको टैप दिया गया हुआ है और यहाँ पे आपको प्लम्बर की ही सीट मिल रही है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि छोटे स्क्वायर फीट का है तो हम क्वालिटी से कम्प्रोमाइज कर ले। ये चीज मैंने अच्छा देखा कि जो ये जो बड़े हाउसेस बन रहे हैं जो मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं वो सेम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि विंडो की बात करें तो प्लीज दिखाएगा, यहाँ पे भी 3 स्लाइडर्स है, हाँ, एक ग्लास वाली है, एक मॉस्किटो जाली वाली भी है। यहाँ पे आपको सीलिंग लाइट्स मिल रही है जैसे मैं देख रहा हूँ, फैंस के लिए 2 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। वॉश बेसिन आपको ठीक यहीं पे आपको लिविंग रूम से मिल रहा है और ये है आपका बेडरूम। यदि बेडरूम की साइज की बात करें सर कितना होगा? देखिए ये बेडरूम जो है वो 10x12 का है। 10x12 का है और इसमें भी सब कुछ आपको कंप्लीट सीलिंग से लेकर फ्लोरिंग तक जी मिलने वाली है और सारे स्विचेस आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। अच्छी चीज मैं बता दूं कि यहाँ एसी पॉइंट भी आपको दिया जा रहा है, एंकर के हैं, यहाँ पे भी है स्विचेस, यहाँ पे भी स्विचेस है, यहाँ भी स्विचेस है और ठीक पीछे उस साइड वॉल पे लाइटिंग मैं दिखा देते हैं। पावर बोर्ड जो है इससे फर्क क्या पड़ता है? कभी कभी जब हम सोचते हैं अपना टीवी इस विंडो में लगाना चाहते हैं या चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर हर जगह आपको मिलेगा। और एसी का तो पॉइंट इन लोगों ने दे दिया। दूसरी चीज आपको विंडो भी मिल रही है जो डायरेक्टली आपके ओटीएस से कनेक्ट कर रही है, तो वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई मैंने देखे हैं छोटे घरों में क्या करते हैं कि वेंटिलेशन सिर्फ फ्रंट से है, सामने से जहां से आप घर में आ रहे हो वहीं से जो हवा आएगी जो आएगी, और जनरल सी बात है हवा तभी आती है कि आने का रास्ता और निकलने का रास्ते अलग अलग हो, तो यहाँ पे आपको ओटीएस मिल रहा है और ओटीएस आपको बेडरूम पे भी है। देखिए अगर बात की बनाने को तो जैसे हम 500 स्क्वायर फीट में 2 BHK भी बना सकते थे जी, लेकिन हमने 1 BHK जो बनाया है वो सारी चीजों के साथ आपको 1 BHK यानी बेडरूम भी मिलेगा, सिट आउट स्पेस भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, कॉमन वॉशरूम भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कंजेशन आपको फील होगा कि छोटा मकान है तो कंजेस्टेड मकान होगा, आपको सारी चीजें आपको 500 स्क्वायर फीट में भी मिलेंगी। बिल्कुल, मतलब मकान के अंदर आने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि साइज कितना है, मतलब क्वालिटी और जो इसका इंटीरियर का जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया। प्लस आपको जैसा शायद आपने नोटिस किया हो ना किया तो बता दूं, यहाँ पे भी किचन में भी आपको विंडो मिल रही है, तो वेंटिलेशन का भी ध्यान दिया गया है और प्रॉपर सनलाइट भी इस मकान के अंदर आ रही है। आइए दोस्तों मैं एक चीज आपको नोटिस कराऊंगा, पहले बता दूं ये फेस 2 है, जहाँ पे अभी आपको जो हाउसेस हमने दिखाए थे वो यहीं पे मिलने वाले हैं और जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में था वो फेस 1 था।
तो यहाँ पे एक चीज जो हमको आपको दिखाऊं कि जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, जो हमने बोला था कि सीवर यहाँ बना हुआ है उस सीवर के पानी का क्या होता होगा, या यह है ट्रीटमेंट प्लान, दिखाइएगा प्लीज कहाँ पे है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था पूरी सोसाइटी में सीवर बना हुआ है जी, और ये जो बाहर से हमने इसका सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है सीवरेज वेस्ट के लिए जी, तो ये पूरा आपको यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं टैंक बना हुआ है। दोस्तों हम जिस पे खड़े हैं ना इसी के नीचे है, मैं आप इसके चैम्बर्स दिखा सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये बने हुए हैं, ये है आप ये देखिए ये है ये है। तो यहाँ पे जितनी की सोसाइटी का जो कॉलोनी का पानी आ रहा हो यहीं आके इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद जो पानी होता है वो पास में इसे सर बता नाला गया हुआ है, नाला गया है वहाँ पे उस पानी को छोड़ दिया जाता है। और साथ ही साथ इसको इस तरह से बनाएगा कि ये पार्किंग का भी इस्तेमाल में आएगा, जो गेस्ट पार्किंग होगी उसमें ये स्पेस यूज में आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमने उसका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बना दिया तो एक स्पेस फालतू जाए, इसके ऊपर एक गेस्ट पार्किंग का प्लानिंग इन लोगों ने कर रखा है। फ्यूचर में जैसे गाड़ी कोई फंक्शन कोई करता है तो सारी गाड़ियां अंदर ना खड़ी करके यहाँ पर बाहर आराम से खड़ी कर सकते हैं। और यदि जैसे कि सर ने बताया था बिजली की सप्लाई के लिए, तो आप देखिए पीछे इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर हमने दिया है अपनी सारी सोसाइटीज में जी, इसमें भी आप देख रहे हैं ये हमारी सिर्फ सोसाइटी के लिए हमने ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जी जी, सिर्फ तो, आपको बिजली विभाग से अपने नाम का कनेक्शन लेना होगा, बाकी आपको नगर निगम में असेसमेंट करके भी सर देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बैंक लोन भी हो रहा है। हाँ, प्रॉपर आपको वेल मेंटेन सोसाइटी मिल रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया सीसीटीवी कैमरे गार्ड वार्ड सब कुछ आप मिलने वाला है। जैसे गेटेड की बात की थी तो आप देख रहे हैं ऐसी ही बाउंड्री आपको पूरे प्रोजेक्ट में चारों तरफ की गई है। दोस्तों जैसे हमने वीडियो में आपको बताया था कि आपको कानपुर रोड भी मिल रही है लगभग 300 मीटर की दूरी पे, और 400 मीटर की दूरी पे आपको आउटर रिंग रोड भी मिल रही है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सीधी रोड जहाँ से सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, हो सकता है कि देखिए जाड़ों का टाइम है कुछ फॉग एरिया हो रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ से खड़े होकर दिख रहा है, जब आप साइड पे आओगे तो आप देखिएगा सामने हमें आउटर रिंग रोड दिखाई दे रही है, लगभग 400 मीटर की दूरी पे आपको आउटर रिंग रोड मिल रही है, किसान पथ के चौराहे पे डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी आपको, जो जहाँ से कानपुर रोड से चढ़ते हैं जो हम किसान पथ पे जिससे आउटर रिंग रोड बोलते हैं तो डायरेक्टली यहीं से मिलेगा। प्लस कानपुर रोड की बात करें तो प्लीज एक बार सूरज दिखाइएगा, ये कानपुर रोड यहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हैं, 300 मीटर की दूरी पे आपको कानपुर रोड मिल रही है, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं सामने साइट है ये देखिए जो आपको गेट दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने साइट देख ली है रोड देख ली है, ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये सर का ही मकान है, तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सोसाइटी भी यहीं डेवलप कर रहे हैं खुद भी यहाँ रह रहे हैं। देखिए ये पॉसिबल तब होता है जब आप अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हो, क्योंकि अधिकतर बेचने वाला वहाँ रहता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि आए दिन कोई ना कोई दिक्कत होगी और हमेशा घर की बेल बजती रहेगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप भी यहीं रहोगे और सर भी यहीं रहेंगे, आप समझो एक तरीके से कह सकते हैं जो भी हमारे मकान लेते हैं वो सब हमारे पड़ोसी बन जाते हैं। तो सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये सर का ही है, और ये सामने आप देख रहे हो गेट दिख रहा है, ये पूरी साइट है जो हमने आपको अभी वीडियो में दिखाई है। सर जैसे कि आपने बताया था कि सबसे छोटा साइज जो है 500 स्क्वायर फीट का है। हाँ। और 22,50,000 रुपए से स्टार्टिंग है मकान की। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल रहता है क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरे से भी पूछते हैं कि क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है तरुण जी, तो क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ आप डिस्काउंट दे सकते हैं? देखिए पहली चीज तो आप सारे व्यूअर्स आप हमारी सोसाइटी आके एक बार विजिट करें, देखें हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या मकान दे रहे हैं, क्वालिटी क्या है, और उसके बाद जो भी नेगोशिएशन है कोशिश करेंगे जो बेस्ट डील हो वो उनको हम दे सके। और उसी के साथ ही अभी क्योंकि नया साल चल रहा है और आपके व्यूअर्स जितने भी हैं अगर जो भी आपकी तरफ से आता है तो उनको हम अपनी सोसाइटी में जो मकान देते हैं उसमें हम चिमनी और फ्रिज नहीं देते हैं मॉड्यूलर किचन में, तो आपकी तरफ से जो भी कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम एक चिमनी और फ्रिज गिफ्ट करेंगे। मतलब कि यदि आप यहाँ मकान तो लेंगे ही लेंगे तो आपको चिमनी और फ्रिज आपको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप यहाँ फाइनल करें या साइट विजिट करने आए तो सर को ये बात जरूर बोलिएगा कि ये वीडियो हमने प्रॉपर्टी विजिट्स में देखी थी, तो यही आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाले इस तरह की प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।